वेल गाइस, तो फाइनली अब से कुछ मिनटों के अंदर AEW के डबल और नथिंग पे पर व्यू का मेन इवेंट शुरू होने वाला है, जहां पर आज पे पर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर AEW का वर्ल्ड टाइटल ऑन द लाइन होगा, जहां पर स्वर्व स्ट्रिकलैंड AEW का वर्ल्ड चैंपियनशिप क्रिश्चियन केज के खिलाफ डिफेंड करने वाले गए। और आज यहां पर स्वर्व और क्रिश्चियन के इस मैच के अंदर हमें डेफिनेटली काफ़ी सारा केओस देखने को मिलेगा, क्योंकि गाइज आज यहां पर इस मैच के अंदर क्रिश्चियन केज के चैलेंजर होने की वजह से डेफिनेटली आज यहां पर इस मैच के अंदर हमें यहां पर क्रिश्चियन केज की तरफ से लूचा सूरस और AEW सुपरस्टार निक वेन की इंटरफेरेंस देखने को मिलेगी। और ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि रिसेंटली ब्रायन केज और गेट्स ऑफ एग्नी के स्वर्व पर टर्न करने के बाद आखिर यहां पर स्वर्व आज AEW के डबल नथिंग पेपर व्यू के ऊपर क्रिश्चियन केज के पूरे फैक्शन का अकेला सामना कैसे करते गए। वेल बात करें अगर यहां पर इस मैच के विनर की, तो गाइस यहां पर वैसे तो मैं पर्सनली ये चाहता हूं कि क्रिश्चियन केज स्वर्व को हराकर AEW के ब्रांड न्यू वर्ल्ड चैंपियन बने। बट गाइस क्योंकि स्वर्व यहां पर अभी सिर्फ एक महीने पहले AEW के डायनेस्टी पेपर व्यू के ऊपर AEW के पहले ब्लैक वर्ल्ड चैंपियन बने गए, और क्योंकि ये टाइटल डिफेंस स्वर्व का पहला पेपर व्यू टाइटल डिफेंस, तो गाइस यहां पर ये पूरी तरह से इंपॉसिबल है कि स्वर्व यहां पर AEW में उनके पहले पे-पर-व्यू टाइटल डिफेंस के अंदर ही उनके टाइटल को हारे। और इसी रीजन की वजह से आज यहां पर किसी ना किसी तरीके से स्वर्व यहां पर क्रिश्चियन को बीट करने वाले गए, और वो यहां पर डेफिनेटली पे-पर-व्यू के ऊपर AEW के वर्ल्ड टाइटल को रिटेन करेंगे।